बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हुसैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकाम के खिलाफ वर्जी करते हैं, ऑफिसर्स को तोहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। डीजी साहब, ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। अदालत का डीजी महकमे माहौलियात से मुकालमा। अब तक क्या एक्शन लिया? कार्रवाई में कौन सी इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जिन्हें आपने सील किया? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के दिलों में खास मुकाम रखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। वज़ीर आज़म से इमाम काबा की मुलाकात, साले बिन अब्दुल्ला ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। अनवारुल्ला काकड़ की गुफ्तगू, गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर राहदारी के क्याम पर जोर। इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बाद यरगवालियों की रिहाई शुरू हो गई। हमास से 25 यरगवालियों को रिहा कर दिया गया। 13 इसराइली और 12 थाईलैंड के शहरी शामिल। मुतादिद औरतों और बच्चों को भी रिहा किया गया। थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने भी शहरियों के बाहिफाजत रिहाई की तस्दीक कर दी। फलस्तीनियों की रिहाई भी जल्द शुरू होगी। अरब मीडिया। गजा में 85 ट्रक दाखिल हुए, 2 एम्बुलेंसेस भी मुहैया कर दी गई। इमदादी सामान में खुराक, पानी और अद्वियात मौजूद। इमदाद मिस्र से बारास्ता रिफाह क्रॉसिंग पहुंचाई की जाएगी। इमदादी ट्रक अक्वामे मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों के हवाले कर दिए जाएंगे। जनूबी पट्टी में इसराइली तैयारों की परवाजें बंद। कतर इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा आर्जी जंगबंदी को मॉनिटर करेगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गजा जंगबंदी की मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशन रूम कायम कर दिया गया। इसराइली फौज के 48 रोज में निहत्ते फलस्तीनियों पर शदीद बमबारी। खूनरेजी में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में बच्चे और 3600 से ज्यादा खवातीन भी शामिल। 33,000 से ज्यादा जख्मी हुए। बमबारी से इमारतें मलिया मेट, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। सहोनी फौज ने हमारे घर तबाह कर दिए। नहीं मालूम कि आने वाली जिंदगी किस तरह गुजारेंगे। पनाह गुजीनों की दुहाई।